देख रहे हैं न्यूज फ्लैश 24। मैं हूं आपके साथ सिमरन चौधरी। दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, अगले कुछ घंटों में यहां हो सकती है बारिश। जून के महीनों में मौसम गर्म नहीं है बल्कि बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में मौसम अभी कुछ दिन ऐसा ही रहने वाला है। निर्सेक चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश हाई अलर्ट पे है। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश के अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का तेवर यही रहने वाला है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दिए जाने के बाद सुकमा के कलेक्टर ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी रहेगा। बारिश के साथ 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 7 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 6 जून तक यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं हम बात करें राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भी लोग के लिए अलर्ट है। यहां 4 जून यानी आज और 5 जून को बारिश की संभावना है। 10 जून तक दिल्ली में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। इस बीच अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा। मेरठ में भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद निर्सेक चक्रवात मध्य प्रदेश में अपना असर दिखा रहा है। पहले ही बता दिया गया था कि निर्सेक 4 जून को भोपाल पहुंचेगा। इसका असर देखने को मिल रहा है। भोपाल में बारिश जारी। 9 जून तक वहां तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अब चक्रवात निर्सेक कमजोर हो गया है। आज दोपहर को ये साउथ मध्य प्रदेश में एक डिप्रेशन में बदल गया। अगले 6 घंटों में इसके एक निम्न दबाव में बदलने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों में ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से अत्यंत हल्की बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी और बारिश हुई। यह सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। हरियाणा और पंजाब में आने वाले दिनों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहने का अनुमान है। वहीं अब हम बात करें बिहार और झारखंड की। बिहार और झारखंड में भी बारिश के आसार। बिहार में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक यहां 4 से 6 जून तक बादल के गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड पर भी बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवा के दबाव पर असर होगा। यहां 5 जून तक बारिश के क्रम में जारी रहने का अनुमान है। निर्सेक तूफान महाराष्ट्र से आगे बढ़ चुका है लेकिन वहां बारिश का दौर जारी है। थारे में सुबह बारिश हुई, तापमान 36 डिग्री तक गिरा। 9 जून तक वहां मौसम ऐसा ही रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, द्वारिका में इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। निर्सेक का खतरा गुजरात में भी था लेकिन उससे निपटने की तैयारी वो प्रशासन ने पहले ही कर ली थी। तो देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 24।